एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा, तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहां सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया, मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा। हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक अवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी, शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ
कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक अवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक अवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं।
वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा।